राजस्थान में भी कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर जगह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। आज की अगर बात करें तो राजस्थान में 51 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, 11,651 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। जयपुर में 16, अजमेर में 14, झुंझुनू में 8, अलवर की अगर बात करें तो 2, झालावाड़ में 2, कोटा में 2। अजमेर से हमारे संवाददाता फिलहाल नितिन मेहरा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार की एहतियात वहां पर बढ़ती जा रही हैं? कितने एक्टिव केसेस फिलहाल? बिल्कुल, बता दें कि अजमेर में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जहाँ सभी माइग्रेट बताए जा रहे हैं। मामले अधिकतर माइग्रेट मामले हैं, कोई भी कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है अधिकतर माइग्रेट है, सामने आए हैं। इसको लेकर जो सीएमएचओ है डॉक्टर के सोनी, उनके द्वारा जानकारी दी गई है। लगातार सैंपलिंग की जा रही है, कोरोना संक्रमण किस तरह से कम किया जाए उसको लेकर एहतियात बढ़ती जा रही है। बिल्कुल नितिन, कितने एक्टिव केसेस फिलहाल हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं? लगभग काफी इस बार अभी तक रिकवर हो चुके हैं, लगभग हम करीब 300 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। और अभी तक जो आज जो नए मामले सामने आए वो टोटल 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जी नितिन, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, आंकड़ों में बढ़ोतरी लगातार दर्ज की जा रही है और इस बीच एहतियात जितनी हो सके उतनी सभी बरत रहे हैं। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण इलाकों में किस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं? लोग जागरूक हैं या नहीं? क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बेहद निंदनीय है, क्योंकि लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। जी मनीषा, बिल्कुल, झुंझुनू के अंदर है जो रोज है जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। आज सुबह भी 8 नए पॉजिटिव केसेस जो झुंझुनू जिले के अंदर सामने आए, जिसके अंदर कुल अब तक 192 की संख्या है वो कोरोना पॉजिटिव की झुंझुनू के अंदर हो सकती है, हो गई है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर जो 3 जो पॉजिटिव केस मिले हैं वो मारपीट के आरोपी है, जिसके अंदर बुहाना थाने के जो सिपाही है उनमें करीब 8 से 10 सिपाहियों को क्वारंटाइन भी किया गया है। एसपी जेसी शर्मा ने किया। सुजीत, एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो कितने एक्टिव केसेस फिलहाल हैं? चलिए आपको बता दें कि लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 264 लोग कोरोना की चपेट में आकर अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। अलवर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा फिलहाल फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं? ये बताना चाहूंगा मनीषा की जो कोरोना का जो वायरल का चल रहा था उसमें एक के बाद एक केस अलवर में सामने आते जा रहे हैं। फिलहाल रैनी और बानसूर में आज की ताजा रिपोर्ट में केस सामने आए हैं, उसके बाद प्रशासन की ओर से कर्फ्यू को लगाया गया है। और इसके अलावा जो सीमाएं सील की गई है उसमें अलवर जिले का महत्वपूर्ण। हेलो जी, चलिए, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जिस प्रकार से कोरोना के जो कहर है वो जारी है, तमाम एहतियात बढ़ती जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लगातार चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, लगातार पॉइंट टू पॉइंट मॉनिटरिंग हर चीज की करी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा, बहुत सतर्क रहना हम लोगों का भी बन जाता है। आप सभी से एवन टीवी अपील करता है कि सजग रहें, सावधान रहें, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें बहुत सारी जगहों से सामने आ रही हैं, कल 12 में जो सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ 5,000 के करीब वहां पर लोग थे, तो प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं था, प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही। लेकिन ऐसे में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर प्रशासन नहीं पहुंच पाता, लेकिन यह हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कोरोना हो गया तो सब सरकार को ब्लेम करेंगे, लेकिन सरकार वहां पर हर जगह नहीं पहुंच सकती है, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और इस प्रकार की कोई भी तस्वीरें अगर कहीं से आ रही हैं तो तुरंत प्रशासन को अवगत करवाएं। दो सौ चौसठ लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और लगातार जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक चीज का फीडबैक लगातार अधिकारियों से लिया जा रहा है।
डॉक्टर्स तमाम नर्सिंग कर्मी लगातार मुस्तैद हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है, लेकिन हर जगह प्रशासन नहीं पहुंच सकता है और इसीलिए खुद का लापरवाही बरतने से बचना, लापरवाही अगर कहीं हो रही है, अगर आपको दिखाई दे रही है तो उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी अपनी जान बचाना, अपने देश की जान बचाना बहुत जरूरी है। सवाई माधोपुर और टोंक में एक एक कोरोना पॉजिटिव आज मिले और 5 मरीजों की आज राजस्थान में मौत हुई। 264 लोग, बार बार आपको आंकड़े बता रहे हैं, 264 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच क्या कुछ सामने नई बातें निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल, लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में 200 से अधिक जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अब तक 11,651 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो अच्छी देखी जा रही है और प्रदेश में अब तक 8,596 लोग कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक हो चुके हैं। ऐसे में लगातार जिस तरह से रिकवरी रेट अच्छी होती जा रही है तो उसको देखते हुए प्रदेश में जो मौतों का आंकड़ा है वो भी राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले कम नजर आ रहा है। जिस तरह से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है उसमें अगर दुगुना होने की बात की जाए तो दुगुना होने के दिनों की 22 दिन में प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो दुगुने हो रहे हैं। ऐसे में लगाया जा रहा है जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव संख्या सामने आ रही है उसको देखते हुए आगामी 30 जून तक जो प्रदेश में 20,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आ सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और जिस तरह से जो बिना किसी लक्षणों वाले कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं ऐसे में रिकवरी रेट वो अच्छी है और प्रदेश में तकरीबन 75% की दर से कोरोना पॉजिटिव वो ठीक होते नजर आ रहे हैं। लगातार सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। क्वारंटाइन सेंटरों के साथ साथ जो प्रदेश में आने वाले जो प्रवासी है उनको होम आइसोलेट भी किया जा रहा है, साथ ही साथ कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले जो उनके संपर्क में आने वालों को भी होम आइसोलेट किया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स को निर्देशित कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के जो तमाम उपाय हैं वो किए जाना चाहिए ताकि प्रदेश में जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है उससे बचा जा सके। हालांकि जिस तरह से चिकित्सा विभाग की ओर से जो तैयारियां की गई है उसमें देखा गया है कि जो क्वारंटाइन सेंटरों पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको ठीक होने का जो दर है वो बेहतर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव है जो रिकवरी रेट 75% है उसको देखने में लग रहा है कि अब प्रदेश में जो एक्टिव केस है वो महज 2791 है, यानी कि बहुत ही कम संख्या में एक्टिव केस अब शेष बचे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बेहतर प्रयास है। हालांकि जिस तरह से जो बाहर जाने वाले जो प्रदेश में आने के बाद जो बाहर जाने वाले वहां जाकर कोरोना टेस्ट करवाए तो उनमें कोरोना की जो लक्षण है वो भी सामने आए, साथ साथ ही उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। उसी को देखते हुए सरकार की ओर से या गृह विभाग की ओर से जिस तरह से कल जो गाइडलाइन जारी कर जो यातायात को नियंत्रित करने का जो एक्शन है वो लिया गया, साथ ही साथ जो पास की भी अब अंतर्राज्यीय सीमा पार करते हैं तो पास की भी जरूरत होगी, तो ऐसे कई जो एक्शन है फिर से इनकी सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए आंकड़ा जिस प्रकार से लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि रिकवरी दर जो है वो 75% है और इसलिए लगातार पॉइंट टू पॉइंट मॉनिटरिंग खुद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कर रहे हैं। कोटा से हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, बताएं क्या अपडेट कोटा से, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं? मनीषा, निश्चित तौर पर कोटा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब 537 पहुंच चुका है। आज 2 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे जिसमें एक छावनी और एक रेलवे कॉलोनी का निवासी है। ताजा जानकारी मनीषा अपने दर्शकों को बता दूं कि यही जो रेलवे कॉलोनी इलाके का जो रहने वाला है कोरोना पॉजिटिव आया है, ये रेलवे में पैसेंजर गार्ड है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर रेलवे प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये गार्ड किन लोगों के संपर्क में आया है अब इसकी लिस्ट खंगाली जा रही है। रेलवे प्रशासन रेलवे कर्मचारियों से लेकर पैसेंजर से जो है उनसे बात कर रहे हैं कि कौन इनसे मिले हैं और किनके संपर्क में आए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो कोरोना संक्रमण का जाल है वो कोटा में फैला हुआ है और रेलवे प्रशासन भी इससे कहीं भी अछूता नहीं रहा है।
जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, जिस प्रकार से लगातार आंकड़े हर जगह से सामने आ रहे हैं, रेलवे कॉलोनी में रेलवे प्रशासन का एक होमगार्ड जो वहां पर था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद में हड़कंप यहां पर कोटा में मच गया और तमाम जो लिस्ट है वो खंगाली जा रही है किन किन लोगों के संपर्क में वो व्यक्ति आया था।